हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मंडे का दिन है और नैनीताल में अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश और ओले पड़े हैं। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं पे बिज़ी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ओलों के बाद की ये निशानी है। घरों से पानी ऐसे रोड पर बह रहा है, तो यहाँ पर आराम से नहाने की व्यवस्था हो रही है। ये शावर, नेचुरल शावर बना हुआ है। तो चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं नीचे। और देखिए, बाइक वालों को बड़ी ही दिक्कत होती है इस मोड़ को काटने में, और यहाँ पे पूरा भीगने का इंतज़ाम वैसे भी हुआ हुआ है। तो अब इसको कैसे पार करना है ये देखते हैं। ये देखिए, तो पानी से बचते बचाते निकलते हुए मैं आ गई हूँ और अब जा रही हूँ नीचे की तरफ। तो देखते हैं नीचे कितनी भीड़ है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो देखिए, नीचे आ चुके, मैं सामने से आ रही हूँ नई नई दुल्हन। और बारिश के बाद आप हालात देख सकते हैं। मेरा वीडियो हिल भी रहा होगा क्योंकि मैं चलते चलते बना रही हूँ, तो रुक जाती हूँ अभी और नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है नगरपालिका की बिल्डिंग और नीचे है फ्लैट्स। तो आप देख सकते हैं बारिश के बाद पूरा पानी पानी भरा हुआ है और बच्चे फुटबॉल इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पर। तो ये देखिए, इस टाइम बच्चों का प्लेइंग टाइम होता है। तो मैं फ़िलहाल एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, DSA के बाहर से मैं हूँ और देखिए शाम का टाइम नैनीताल में, मौसम अभी खुल गया है। बहुत ही भयंकर बारिश, ओले ओले सब पड़े थे यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम खुल गया है तो हल्की ठंडक सी हो गई है। तो ये देखिए, बच्चे यहाँ पे काफ़ी खेलने में मस्त हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था नैनीताल की लाइफ, काफ़ी लोग यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं बच्चे। और ठीक सामने दिखाई दे रही है क्लाइंबिंग वॉल, जो कि बहुत ही जल्द खुलने वाली है। तो जैसे ही खुलेगी, इसमें लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू करेंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए, तो शाम का टाइम है, मंदिर में मैं हूँ और आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। ये हैं आज के दर्शन मंडे के। और टाइम ज़्यादा हो चुका है, 8 बजे से ऊपर ही हो गया टाइम थोड़ा। तो ये देखिए सामने हनुमान जी। तो अभी भीड़ यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गई है और लाइट भी चली गई है। आज थोड़ी सी ठंडक भी है मौसम में, तो इस तरह का कुछ है। देखिए आप, तो ये है चाट पार्क वाला एरिया और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। आज लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, और पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ों की लाइट, लेकिन इस टाइम यहाँ पे लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है। देखिए, लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन इस टाइम पे, और देख सकते हैं आप भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी है और लाइट नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि दुकानें भी शायद जल्दी बढ़ जाएंगी आज। और ये है फड़ वाला एरिया, जहाँ पे अभी तक फड़ लगे हैं। 9:15 के आसपास टाइम हो रहा है और भीड़ भी उतनी ही दिखाई दे रही है, तो अच्छी खासी भीड़ है। तो यहाँ पर एवरग्रीन भुट्टे नैनीताल के, जो हमेशा मिलने लगे हैं। पहले बड़ा सोच समझ के भुट्टे खाने पड़ते थे क्योंकि मिलते ही नहीं थे, तो अब तो लेकिन परमानेंट मिलने लगे हैं। तो ये है सामने लेक के रिफ्लेक्शंस, बड़े ही सुंदर से। तो आधे शहर में अभी लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा ये नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस साइड लाइट अभी गई हुई है तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है ऊपर की तरफ। तो ये है मॉल रोड की स्टार्टिंग, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लग रहा है। देखिए सामने का होटल और नैनीताल की भीड़। गाड़ियाँ क्योंकि खुल चुकी हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है चलने में, तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो देखिए, रात को रूल्स रेगुलेशन सब भाड़ में चले जाते हैं। रिक्शा देख सकते हैं आप उल्टी डायरेक्शन में आते हुए, और मुझे लगता है कि आधे रास्ते से ही कहीं से आ रहा है क्योंकि रात को देखने वाला तो कोई नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, जबकि ये अलाउ नहीं है, लेकिन रिक्शे वाले यहाँ पे खड़े हैं सवारियाँ ढूंढने के लिए, जो कि अलाउ नहीं है। लेकिन ये रिक्शे वाले भी अब क्योंकि बाहर से आ गए हैं कुछ,
तो सारे रूल्स रेगुलेशन सब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ, क्योंकि प्रशासन की नज़रें मुझे लगता है कि सोई पड़ी हैं, शायद देखने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मॉल रोड में कुछ होटल्स हैं, होटल सरोवर, हारमोनी हॉल, और इधर है होटल कैप्री इस साइड पे वुडलैंड के ऊपर। तो ये कुछ बजट होटल्स हैं जो आपको मॉल रोड पे मिल जाते हैं। और फिलहाल अभी वीकेंड्स में क्योंकि ज़्यादा भीड़ है तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है स्टे की और बुकिंग्स की, लेकिन अभी इस टाइम पे शायद आपको वॉक इन मिल जाए। तो चलिए देखिए इस तरह का कुछ हो रहा है नैनीताल अभी। तो यहाँ पे देखिए रिक्शे वाले इस तरह से रास्ते में खड़े हो जा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा नया यहाँ पे कल्चर शुरू हो गया है। और ये देखिए गाड़ियाँ सब उल्टी दिशा में आती हुई, क्योंकि इस टाइम पे कोई देखने वाला ही नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है नैनीताल में, मुझे लगता है कि सारा यहाँ पे सिस्टम ही ख़राब हो चुका है। जिसका जहाँ पे मन आ रहा है वो वहाँ पे चीज़ें कर रहा है, जहाँ पे मन आ रहा है वहाँ फड़ लग जा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको फड़ भी, आप बीच रोड में देखें। तो इधर देखिए जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि माल रोड में कहीं पर भी लोग फड़ लगा ले रहे हैं आजकल। तो जिसको कमाना है वो भाई नैनीताल आ जाओ, यहाँ पे किसी के लिए कोई मना ही नहीं है। कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ बैठ के फड़ लगा लीजिए और कमाइए बैठ के। तो इस तरह का कुछ चल रहा है नैनीताल में, पता नहीं क्या ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये देखिए हालांकि ये लोगों के कमाने का टाइम है, सीजन टाइम है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हमने नैनीताल में आज से पहले कभी नहीं देखी है, जो इस बार देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए आप ये बच्चा जो बैठा है टोपी और पॉपकॉर्न और पापड़ वापड़ लेके, सब ये पूरी अलग अलग तरह की वैरायटी मिल रही है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कहीं पर कोई भी दुकान लगा ले रहा है यहाँ पे, किसी को कोई मना ही नहीं है। सामने यहाँ पे पुलिस चौकी है, जैसा कि अनमोल जी कह रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे पुलिस चौकी है, और उनके सामने ऐसी अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरा वीडियो आज मुझे लगता है कि अव्यवस्थाओं पे ही बन गया है नैनीताल की, लेकिन देख के बड़ा ही दुख लगता है, क्योंकि हमने जिस तरह से शहर को देखा है और अब जो इसकी हालात है वो देख के बड़ा ही दुख लग रहा है मुझे। इसलिए मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारा नैनीताल ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, जो कि अब हो गया है। यहाँ पे है इल्लीगल पार्किंग, जिसको जहाँ मना रहा है वहाँ गाड़ी रोक के खड़े हो जा रहे हैं। तो आज मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, हालांकि मेरा वीडियो आज का जो है मुझे लगता है शिकायतों भरा ही है पूरा, तो मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिप कर रही हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये देख के दुख लग रहा है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं पर कुछ भी हो रहा है। देखिए गाड़ियाँ अपने मन से लगा के सब गायब हैं, क्या कहें किसी से। तो फिलहाल मौसम की बात करें तो बड़ा ही आज ठंडा सा मौसम है। देखिए आप हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो बढ़िया सी हवा चल रही है और मौसम में आज थोड़ी सी ठंडक आ गई है, क्योंकि ओले पड़े थे बहुत ज़्यादा। तो उसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाई उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ घर वापस, और करती हूँ आज के वीडियो को यहीं पर एंड, और कल मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।